हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल बहुत सारे लोगों को ये शिकायत रहती है कि उनकी स्किन से ग्लो खत्म होता जा रहा है। उसके साथ साथ उन्हें बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स जैसा कि एक्ने, पिंपल्स और फ्रैकल्स वगैरह का सामना भी करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इनसे छुटकारा चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। सो इस हेल्पफुल वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी डाइट जिसके इस्तेमाल से आप अपनी स्किन हेल्दी बना सकते हैं और आपकी स्किन ग्लो भी करने लग जाएगी। दोस्तों, अनहेल्दी स्किन की सबसे मेन वजह अनहेल्दी खाना है। आजकल लोग फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके असरात उनके फेस पर देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, कोशिश करें कि फास्ट फूड का इस्तेमाल जरा कम ही किया करें। दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा क्रीमी खाने की शौकीन हैं, तो आप इसे अवॉइड करें, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह। फ्रेंड्स, वैसे तो डेयरी प्रोडक्ट्स आपकी ऑल ओवर हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, लेकिन आपकी स्किन के लिए ये बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। दोस्तों, आप जितना ज्यादा ऑयली खाएंगे, आपकी स्किन पर उतने ज्यादा एक्ने और पिंपल्स वगैरह होंगे। सो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि ऑयली खाने से परहेज करें। अगर आप चाहें तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी जरा कम रखें। दोस्तों, उसके अलावा आपने सीजनल फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी करना है। दोस्तों, सीजनल फ्रूट्स हमारे स्किन को हेल्दी बनाते हैं और ग्लोइंग भी बनाते हैं। इसके साथ साथ आप सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। दोस्तों, सिट्रस फ्रूट्स के बहुत ज्यादा फवाइद हैं। सो सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल लाजमी किया करें, जैसा कि ऑरेंज और लेमन वगैरह। फ्रेंड्स, उसके साथ नट्स का इस्तेमाल भी लाजमी किया करें। दोस्तों, नट्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर बात करें वॉलनट की, तो वॉलनट की तो बात ही और है। फ्रेंड्स, वॉलनट हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है और ग्लोइंग बनाता है। दोस्तों, वैसे तो सारे फ्रूट्स ही आपकी स्किन के लिए अच्छे हैं और सिट्रस फ्रूट्स भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं, लेकिन एवोकाडो की बात ही और है। दोस्तों, एवोकाडो न सिर्फ आपकी स्किन के लिए बल्कि आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। इसकी मदद से आप अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, तो भी एवोकाडो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो दोस्तों, कोशिश करें कि एवोकाडो का इस्तेमाल लाजमी किया करें। आप अगर चाहें तो एवोकाडो को नाश्ते में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर किसी भी वक्त दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। फ्रेंड्स, क्योंकि वेजिटेबल फ्रेश फूड हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। अगर आप मार्केट से पैकेजिंग वाली चीजें लेकर खाना शुरू कर देंगे, इससे ना सिर्फ आपकी स्किन इरिटेट होगी बल्कि आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इसके असरात आपको बुढ़ापे में भी देखने को मिलेंगे। आप खुद को अनहेल्दी फील करेंगे। तो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि खुद को हेल्दी फूड खाने का आदि बना लें, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।